आप इस वीडियो में जानेंगे थायराइड बीमारी को कैसे पहचाने व इस बीमारी में क्या खाना चाहिए। थायराइड की बीमारी एक बड़ी जनसंख्या को अपनी चपेट में ले चुकी है। वैसे तो थायराइड की शिकायत शुरुआती दौर में बहुत मामूली सी होती है। गर्दन में एक छोटी सी गांठ हो जाती है। पहले ये गांठ बहुत सामान्य सी मान ली जाती है। जब तक इसे गंभीरता से लिया जाए तब तक यह बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। लेकिन यह बीमारी अपनी शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आ जाए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए बस आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन सावधानी बरतने के लिए भी इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइए जानते हैं कि आखिर कैसे पता लगाएं कि हम इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसके शुरुआती लक्षण इस प्रकार से होते हैं। हाथ पैर ठंडे रहना। अगर आपके शरीर का तापमान सामान्य रहने पर भी आपके हाथ पैर हर समय ठंडे रहते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यह थायराइड के लक्षणों में से एक है। जुखाम होना। अगर आपको सामान्य जुखाम से अलग तरीके का जुखाम हो रहा है तो यह थायराइड का संकेत हो सकता है, क्योंकि थायराइड होने पर बार बार जुखाम होता है। नाखून और बालों पर असर। थायराइड होने पर पहला असर हमारे नाखूनों पर पड़ता है। नाखून पतले और दरदरे होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। इसलिए अचानक अगर यह लक्षण प्रकट हो तो तुरंत सावधान हो जाएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में आगे थायराइड के और लक्षण व इस बीमारी में क्या खाना चाहिए के बारे में बताया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी और नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। एड़ियाँ फटना। थायराइड की बीमारी होने पर एड़ियाँ गंदे तरीके से फटने लगती हैं। घरेलू नुस्खे अपनाने या क्रीम लगाने का भी कोई असर नहीं होता है। पेट खराब रहना। हाइपोथायराइड होने पर लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहती है और हाइपरथायराइड होने पर डायरिया की शिकायत बार बार होती है। कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। इसलिए अगर पाचन से जुड़ी यह समस्याएं हो रही हैं तो तुरंत अपना थायराइड चेक करवाएं। बार बार थकान महसूस होना। आप थोड़ा भी काम करने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं या छोटी छोटी बात पर घबराहट होने लगती है। लेकिन थकान और घबराहट की और भी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा होना थायराइड का भी लक्षण हो सकता है। त्वचा में रूखापन। जिनको थायराइड होता है उनकी त्वचा की ऊपरी परत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से त्वचा रूखी रूखी होने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना। थायराइड का इम्यूनो सिस्टम पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। जोड़ों में दर्द। थायराइड में शरीर में कमजोरी आने के साथ साथ जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। वजन तेजी से बढ़ना या घटना। अगर आप हाइपोथायराइड से ग्रसित हैं तो आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। हाइपरथायराइड में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। इसमें आपका वजन तेजी से घटने लगता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी घटता बढ़ता रहता है। थायराइड होने पर आप अपने आहार में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अनाजों में पुराना साली चावल और सत्तू, दालों में मूंग मसूर अरहर और चना दाल, फल एवं सब्जियों में परवल लौकी तोरी करेला प्याज कद्दू आलू मिर्च मशरूम, मौसमी सब्जियां केला एवोकाडो अनानास नारियल, मौसमी फल आम अनार नारंगी शकरकंद और जामुन। इसके साथ ही गाय का दूध दही नारियल पानी अजवाइन ग्रीन टी ब्राउन राइस सूरजमुखी के बीज काली मिर्च बादाम और मूंगफली को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने व पेट की फुलावट को दूर करने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर आई वॉल के बटन तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे और साथ ही इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।